फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर सिस्टर्स में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही वाले मसाला बैगन बनाने की रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए बिना देरी किए हुए फटाफट से शुरू करते हैं दही वाले मसाला बैगन बनाने की रेसिपी। दही वाले मसाला बैंगन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके के ये लंबे वाले बैंगन लिए हैं और इनको हम कट करेंगे और इनको हम गोल गोल स्लाइसेस में कट करेंगे और इनको हमने थोड़ा मोटा ही काटना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना है। और इस तरीके के हमने गोल स्लाइस काटने हैं इसके। आप चाहें तो यहाँ पर जो गोल वाले बैंगन आते हैं वो भी ले सकते हैं। और इस तरीके से स्लाइस काट कर हमने तैयार कर लिए हैं, ये सारे बैंगन हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनमें आधा चम्मच के करीब हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और यहाँ पर गैस पर मैंने एक पैन रखा है, पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम उसमें 3-4 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जो हमने बैगन मैरिनेट किए थे अब हमने उनको फ्राई करना है, तो हम बैगनों को फ्राई करने के लिए इस तरीके से पैन में लगा देंगे चारों तरफ। और यहाँ पर बैगन मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस डीप फ्राई करने से थोड़ा सा ये तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर सैलो फ्राई कर रही हूँ। और ये सारे बैगन हमने फ्राई होने के लिए पैन में लगा दिए हैं, तो इनको हम दूसरी गैस में ट्रांसफ़र कर देंगे और गैस को सिम पर कर देंगे। और यहाँ पर हम दही बैंगन के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें हम 3-4 चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब उसमें 2-3 तेज़पत्ता, 2-3 लौंग, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ा सा जीरा डाल के अच्छे से चटकने देंगे। और साथ ही में मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हमने सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम साथ में यहाँ पर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और साथ ही मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ कलर के लिए और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही में मीडियम साइज का प्याज है, उसका पेस्ट बनाया था, तो यहाँ पर हम प्याज का पेस्ट भी ऐड करेंगे। और साथ ही में मसाले, तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके थोड़े से पानी डाल के और हमने फ्राई करना है। अब मसालों को हम 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। और इधर बैगन देख लेते हैं, तो बैगन भी लगभग फ्राई हो चुके हैं। जो बैगन एक साइड से फ्राई नहीं हुए उनको पलट के दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो इसी प्रकार उलट पलट के हमने सारे बैगन अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। और ये देखिए बैगन भी हमारे फ्राई होकर तैयार हो गए हैं, तो गैस ऑफ कर देंगे और इनको साइड में अलग रख देंगे। और यहाँ मसाले का कवर खोल के देखेंगे तो मसाला भी फ्राई हो गया है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मसाला भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। और इसको 1 मिनट के लिए बिना कवर किए हुए पकाएंगे ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। और यहाँ पर 1 कप के करीब फेटा हुआ गाढ़ा दही है, उसे भी ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। और इसको हमने लगातार चलाते हुए एक उबाल आने तक पकाना है। और याद रखें दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, ताज़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको हमने लगातार चलाते हुए पकाया और ये देखिए इधर ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो हमने जो बैगन फ्राई किए थे उन्हें भी ऐड कर देंगे। अब इसको सब्जी को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये सारे बैगन हमने ऐड कर दिए हैं और इसमें
स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अब सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने कवर करके पकाना है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार है। बहुत कम मसालों के साथ सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।